लाइन नानसाई एपिसोड 4। दोस्तों आज की टॉपिक है क्या नामसाई अंजाव लोहित चांगलांग जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनी बांग्लादेश बनने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने इसी मुद्दे पर 2 एपिसोड बनाया था और हजारों लोगों ने इस वीडियो को देखा और बहुत लोगों ने मैसेज करके अपना ओपिनियन बताया। सभी को कंसर्न है इस पर, लेकिन कोई बात नहीं करता। इसलिए न्यूज़लाइन नामसाई ने जिम्मेदारी ली, इस मुद्दे को रेस किया और आप लोगों के सामने लाया, जिसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट मिला और हजारों लोगों तक ये मैसेज पहुंच गया कि कुछ तो एबनॉर्मल हो रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने राज्य में। बहुत लोगों ने ये इशू उठाने पर धन्यवाद भी दिया और कमेंट सेक्शन से पता चलता है कि हर किसी को इस मुद्दे पर बहुत चिंता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, आम आदमी, एजुकेटेड हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पब्लिक लीडर्स, इंटेलेक्चुअल्स, सबको इस पर चिंता है। हर किसी को चिंता है अपने इलाके, डिस्ट्रिक्ट या राज्य में मुस्लिम की एबनॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ को देखकर। आज नजर घुमा के देखिए, हर जगह आपको मुस्लिम मिल जाएंगे, चाहे बिजनेस के फील्ड में हो, खेती बाड़ी कंस्ट्रक्शन के काम में हो या लेबर, हर जगह। हमने पहले भी कहा था अपने एपिसोड में कि हमने जो लीगल मुस्लिम रेसिडेंट या लीगल बिजनेस करने वाले शॉपकीपर्स और दूसरे काम करने वाले जो लीगल डॉक्यूमेंट्स और IRP रख कर काम करते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। हर इंडियन मुस्लिम हमारे भाई बहन हैं। हमें तो दिक्कत है इन बांग्लादेशी मियां और रोहिंग्या मुस्लिम से। हमें तो दिक्कत है इलीगल इमिग्रेंट और मुस्लिम माइग्रेंट जो ILP को वायलेट करके यहाँ घुसा हुआ है। हमें उन लोगों से प्रॉब्लम है और जो हमारे देश के नागरिक नहीं है। और दिक्कत तो इस बात पर है कि ऐसे लोग एक दो नहीं, हजारों के तादाद में जो हर डिस्ट्रिक्ट, टाउन और राज्य के लिए कॉन्सर्न का मामला है। इनके पॉपुलेशन गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड से कई गुना ज्यादा और धीरे धीरे इनके तादाद रोज की बुनियाद पर बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं जब अरुणाचल की डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बनने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसा कहां से इनके तादाद इतने बढ़ रहे हैं और किन कारणों से इनके पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये हर किसी को नजर ही आ रहे हैं। हम ऐसे सेंसिटिव मुद्दा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा ये लोग बहुत सा लड़का और लड़कियां जो कन्वर्ट कर चुके हैं या हो चुके हैं, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने अपना वीडियो में episode 1 में दिखाया था। मैंने पहले भी दोनों एपिसोड में स्पेसिफिकली कहा कि हमें यहाँ की जो लीगल मुस्लिम रेसिडेंट है जो 20 या 30 सालों से यही रह रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो लोगों लीगल डॉक्यूमेंट्स दूसरे राज्य से आए लीगल माइग्रेंट्स, मुस्लिम माइग्रेंट्स जो लीगल डॉक्यूमेंट्स और ILP रखा है, इनसे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लोग हमारे ही इंडियन भाई और बहने हैं। हमें उन इलीगल बांग्लादेशी मियां और रोहिंग्या मुस्लिम्स इलीगल तरीके से जो माइग्रेंट्स बिना डॉक्यूमेंट और ILP के यहाँ और अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट में घुसा हुआ है और छुप छुप के रह रहे हैं, हमें इन इलीगल लोगों से दिक्कत है। दिक्कत तो इसमें भी है, अभी जैसे मैंने कहा कि हजारों के तादाद में है अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, टाउन, बस्ती में इलीगल तरीके से रह रहे हैं और ये कॉन्सर्न का मामला है। इनके पॉपुलेशन गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड से कई गुना ज्यादा है और रोज के बुनियाद में इनके तादाद बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम आप मुनकर चुप बैठे रहे तो ये लोग माइनॉरिटी से मेजोरिटी तक ये अच्छी खासी नंबर तक पहुंच जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, जिससे हमारे स्टेट के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे आसाम का हो रहा है। कैसे आसाम में ये लोग माइनॉरिटी पॉपुलेशन से मेजोरिटी बनने जा रहे हैं
और असम के डेमोग्राफी को भी चेंज करने में लगे हैं। आज मैं आप लोगों के आगे कुछ फैक्ट्स और डाटा रखने वाला हूँ जिनके बारे में आप लोग अनजान हैं और किसी ने इनको इतना सीरियसली नहीं लिया। ये फैक्ट और फिगर्स देखकर आप लोग भी वैसे ही चौंक जाएंगे जैसे मैं पहला बार चौंक गया। मैंने इनके ऊपर बहुत गहन रिसर्च किया और फैक्ट्स और डाटा को ढूंढा और स्टडी किया और मुझे ऐसे ऐसे चीजें पता चला जिसको मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने अरुणाचल के पॉपुलेशन के 2022 के सेंसस के ऑफिशियल रिपोर्ट के वेबसाइट खोलता हूँ और ये है वो रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि 2022 में पूरा अरुणाचल की पॉपुलेशन था 17,11,947 और टोटल मुस्लिम की पॉपुलेशन था 27,045। ये 2022 की ऑफिशियल डाटा है और 2022 में अरुणाचल के पॉपुलेशन आधार कार्ड के जो यूनियन आइडेंटिफिकेशन आधार इंडिया के हिसाब से 16,00,000 से भी ज्यादा है पूरी अरुणाचल की पॉपुलेशन और 2022 में मुस्लिम का पॉपुलेशन 33,407 है। ये रिलीजियस डाटा के हिसाब से है। ये इन लोगों के पॉपुलेशन डाटा है जिनका गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है। ठीक उसी तरह अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन चार्ट को देखिए तो पता चलता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम के पॉपुलेशन क्या है। यह है अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट चार्ट। आप देखें यहां देखिए नामसाई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल मुस्लिम के डाटा। यह है नामसाई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल मुस्लिम पॉपुलेशन के डाटा और यहां टोटल पॉपुलेशन 26,865 है और मुस्लिम की पॉपुलेशन है 1,835 और यह है पूरी अरुणाचल का पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसमें आप देख सकते हैं लोहित का मुस्लिम का पॉपुलेशन है 3,486 अंजाव में है 665 चांगलांग में 2,134 ईस्ट सियांग में 2,289 पपुम पारे में 6,148 ईटानगर का टोटल पॉपुलेशन है 65,301 और टोटल मुस्लिम का पॉपुलेशन है 2,887 ईटानगर का जो पूरा पॉपुलेशन का 4.52% है। यह है पूरा डिस्ट्रिक्ट का चार्ट। आप देख सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कितना मुस्लिम का पॉपुलेशन है। इसमें सब दिया हुआ है लोहित अंजाव चांगलांग ईस्ट पपुम पारे तवांग। अब आगे बढ़ते हैं नामसाई चार्ट। नामसाई टाउन के पॉपुलेशन है। अब आपको मैं सिर्फ नामसाई टाउन के पॉपुलेशन के बारे में बताऊंगा। ये डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन नामसाई का डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन है 26,865 और जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है पूरा डिस्ट्रिक्ट में नामसाई डिस्ट्रिक्ट में 1,835 और सिर्फ नामसाई टाउन का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ओनली नामसाई टाउन का 931 पूरा नामसाई डिस्ट्रिक्ट का 1,835 और सिर्फ नामसाई का 931। क्या वाकई जो अरुणाचल में मुस्लिम के पॉपुलेशन है जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड और डाटा बताते हैं क्या ये उतना ही है? ये जानने के लिए मैंने बहुत सा वेबसाइट और सरकारी लिंक्स को खोल के रिसर्च किया और तब मुझे कुछ चौंकाने वाला फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में पता चला। मुझे एक लिंक मिला जिसमें लिखा था अरुणाचल के मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप। ये पूरा अरुणाचल कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है। चलो इस लिंक को खोलते हैं। जैसे मैंने इस लिंक को खोला मुझे ये पेज मिला अरुणाचल मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप।
जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप का पेज लिंक था। अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट का व्हाट्सएप लिंक मुस्लिम कम्युनिटी का व्हाट्सएप लिंक का पेज था। जैसे कि ये है लोहित डिस्ट्रिक्ट का लिंक, यही पहचाओ यहाँ पे चंगलांग पापुम पारे कुरुमपुर में ईस्ट सियांग कामेंग। चलिए हम सिर्फ पर्टिकुलर लोहित के लिंक पे जाते हैं, ये है लोहित डिस्ट्रिक्ट का लिंक। उसको खोलने पर फिर हमें और सब लिंक मिला। देखिए इसमें नामसाय अंजाव हाइलिंग चौकाम तेजू मोमो सबके व्हाट्सएप का सब ग्रुप है। जैसे ही हम नामसाय के लिंक को खोला फिर वहां दो लिंक मिला, प्योंग और लेकांग। चलो प्योंग को खोलते हैं। ये है प्योंग का मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप पेज और ये है प्योंग के व्हाट्सएप यूजर्स के नंबर, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है लेटेस्ट व्हाट्सएप यूजर्स ऑफ प्योंग। पूरा नीचे तक जा रहा है, देखिए कितना होगा इसका नंबर टोटल। फिर ये रहा नामसाय के यूजर्स के नंबर, देखिए ये भी लंबा लिस्ट है, करीबन 300 से 400 नंबर्स होगा पूरा टोटली यूजर्स नामसाय के से। याद रखिए ये व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिस्ट है और यूजर्स का टोटल नंबर्स कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल का डाटा नहीं है, ये उन लोगों का पर्सनल ग्रुप का रिकॉर्ड है। ऑफिशियल ग्रुप के हिसाब से पूरा नामसाय डिस्ट्रिक्ट के टोटल पॉपुलेशन 2022 में 40,307, नामसाय डिस्ट्रिक्ट के पूरे पॉपुलेशन 2022 में, इससे पहले मैंने जो आपको रिकॉर्ड दिया था वो 2021 का था, 2011 और 21 का भी, अभी जो 2022 का है उसका पॉपुलेशन 40,307 और सिर्फ नामसाय टाउनशिप एरिया का ही पॉपुलेशन 31,490 यानी 32,000 के आसपास। पूरे डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ नामसाय टाउनशिप का पॉपुलेशन ही इतना है, पूरा 40,307 के पॉपुलेशन में से 31,490 नामसाय टाउनशिप का मुस्लिम पॉपुलेशन है, सॉरी पूरा नामसाय टाउनशिप का पॉपुलेशन है और सिर्फ नामसाय टाउनशिप का मुस्लिम पॉपुलेशन है 931 और 2022 के सेंसस के रिपोर्ट में नामसाय डिस्ट्रिक्ट के टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है 1835 पूरा डिस्ट्रिक्ट का नामसाय डिस्ट्रिक्ट का। और सिर्फ नामसाय टाउन का व्हाट्सएप यूजर्स का टोटल यूजर्स है 524, सिर्फ नामसाय टाउन का व्हाट्सएप यूजर्स का टोटल नंबर, ये सिर्फ नामसाय टाउन के फिगर्स है। और अगर नामसाय पियोंग लेकांग मोमोंग और चोखांग के टोटल मुस्लिम व्हाट्सएप यूजर्स का टोटल मिला दे तो उनका टोटल बनता है 2,432 पास एरिया का, नामसाय पियोंग लेकांग मोमोंग और चोखांग, बाकी खेरेम वेरेम आलूबारी ये सब छोड़ दीजिए लटा हुआ, अभी पांच ही जगहों का टोटल बता रहा हूँ 2,432। याद रखिए व्हाट्सएप ग्रुप का से ये टोटल मिला है सिर्फ नामसाय एरिया का है, जबकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा है कि नामसाय का रिकॉर्ड में सिर्फ 931 मुस्लिम है और पूरा डिस्ट्रिक्ट में 1,835 है। लेकिन ये नामसाय व्हाट्सएप ग्रुप का टोटल जो नंबर्स है यूजर्स का पियोंग लेकांग मोमोंग और चोखांग को मिला के 2,432 बन गए। चलिए पूरा अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट का टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन व्हाट्सएप यूजर्स का कितना होगा आप अंदाजा भी लगाएंगे, उसमें उसका फैमिली मेंबर्स और ऐसे ऐसे लोग जो मोबाइल नहीं पकड़ते हैं, हर फैमिली मेंबर्स में 2-3 बच्चे तो होंगे, इन सबको अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल आप अंदाजा लगाएंगे। सिर्फ एक एक आदमी का एक फोन नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ इतना ही 2,432 बनते हैं, ये पांच एरिया नामसाय के, उनका फैमिली मेंबर्स और ऐसे लोग जिसका पास फोन यूज नहीं करता उनको तो हमने गिनती भी नहीं किया। चले इस सियांग के लिंक को खोलते हैं और यहाँ बहुत सब ग्रुप्स है, देखिए ये तो खोलते ही यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है जगह के बारे में और ये इनका यूजर्स, ये देखिए इस सियांग, ठीक है उसका अंदर में देखिए आपको बहुत मिलेगा सब ग्रुप। यह पासीघाट
सब है फोन नंबर्स यूजर्स का। ठीक उसी तरह आपको हर डिस्ट्रिक्ट के, हर सर्कल के, हर गांव के इनके व्हाट्सएप ग्रुप है और हर ग्रुप में 100 से 200 यूजर्स हैं। अगर बड़ा टाउन हुआ नमसाई तेजू जैसा तो 500 से 1000 तक है व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, जो टोटल नंबर। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले बात तो यह है कि मुझे इसमें विजयनगर जैसे इंटीरियर इलाका में भी मुस्लिम के व्हाट्सएप ग्रुप मिला है। चाहे उनका यूजर्स कम हो लेकिन वहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और उनका संख्या काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ के जो रेसिडेंट है लिसू या नेपाली रेसिडेंट उनको भी ये सब बात पता नहीं होगा। तो ये हुआ व्हाट्सएप ग्रुप के यूजर्स के बारे में और उनके संख्या। और अगर पूरा अरुणाचल के मुस्लिम व्हाट्सएप यूजर्स के टोटल एक साथ जोड़ दो तो करीबन 35 से 40 हज़ार से भी ज़्यादा है। और ये गवर्नमेंट के डाटा नहीं, ये उनके व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पर उसके टोटल पॉपुलेशन है। इसमें मुस्लिम महिला, बच्चे और दूसरे फैमिली मेंबर्स और ऐसे लोग जिनके पास मोबाइल नहीं है या यूज़ नहीं करते उनके बारे में काउंट ही नहीं किया। और अगर इन सब को भी जोड़ दो तो इनके टोटल पॉपुलेशन करीबन 100,000 से भी ज़्यादा हो जाए। ये सब फिगर्स देख के आप सब भी चौंक गए होंगे जिस तरह मैं चौंक गया था। फिर मैंने इन व्हाट्सएप यूजर्स के नंबर का ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए नंबर डायल किया था, लेकिन मैंने नंबर डायल करके रिकॉर्ड भी किया था और 10-12 आदमी से बात भी किया था, लेकिन मैं इस प्रोग्राम में वो सब रिकॉर्ड नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, साउंड फाइल का टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। मतलब ये सब नंबर ऑथेंटिक है, चाहे वो व्हाट्सएप नंबर के नीचे कोई जगह के नीचे वो नंबर हो, चाहे उस जगह से वो रिलेटेड ना हो। जैसे कि मियाओ का नंबर में अगर कोई है तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो लठाव के निकल जाते हैं, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि सारे मुस्लिम ही हैं। मैंने सारे को अस्सलाम वालेकुम बोल के ही ग्रीट किया था फर्स्ट में, तो उससे पता चल जाता है कि वो बंदा मुस्लिम है कि नहीं। उसके बारे में फिर किसी एपिसोड में खुलासा करेंगे। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इन व्हाट्सएप ग्रुप के यूजर्स के टोटल और इनके फैमिली मेंबर्स और नॉन मोबाइल यूजर्स के टोटल देखें तो बहुत ज़्यादा है ऑफिशियल रिकॉर्ड से। आज आप अपने चारों ओर नज़र घुमा के देखिए, आपको हर जगह मुस्लिम नज़र आएंगे और ऐसे ऐसे नए नए चेहरे जिसको आपने कभी नहीं देखा, न कभी आप मिले हो। और इतना जल्दी इनका पॉपुलेशन की मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ा? कुछ रीजन्स तो आपको मैंने बता दिया कि किन रीजन से इन लोगों का एबनॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। और एक सच्चाई है जिसे हम मुंह फेर नहीं सकता, वो है कन्वर्जन। एक कन्वर्जन केस तो हमने आपको एपिसोड 1 में दिखा दिया। ऐसे ही कितना केसेस होगा पूरा अरुणाचल में जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये इलीगल माइग्रेंट्स और बांग्लादेशी मियाँ और रोहिंग्या मुस्लिम रिफ्यूजी अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट में इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं और यहाँ लोग, ये लोग हमारे लोकल या दूसरे मजहब के लड़कियों को फंसा कर शादी करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं मुस्लिम बना के और फिर अरुणाचल की जमाए बनते हैं। फिर यही लोग अपने लोकल कन्वर्टेड बीबीओं के मदद से यहाँ जमीन कब्जा करके घर या दूसरे इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। आप अपना नज़र घुमा के देखिए, ज़रूर आपको मिलेगा। और इन लोकल या नॉन मुस्लिम कन्वर्टेड बीबीओ से मुस्लिम बच्चा पैदा करके भी मुस्लिम की ग्रोथ करवाते हैं और मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। ये तो एक गर्वी सच्चाई है और आपको आसपास आपको नज़र आ गया होगा। और यही लोग फिर हमारे लड़कियों को दूसरे स्टेट में ले जाकर बेच देते हैं और वेश्यावृत्ति करवाते हैं। भारत में ऐसे केसेस बहुत है तो अरुणाचल में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। और यहाँ लड़कियों का फैमिली भी चुप रहते हैं और कोई रिपोर्ट नहीं मिलता हमने, क्योंकि शर्म से कोई रिपोर्ट भी नहीं करता, इसलिए हमें कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन ये ज़रूर हो रहा है अंदर अंदर से, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि कितना लोग यहाँ कन्वर्टेड हुआ हो, चाहे लोकल हो चाहे नॉन लोकल। ये बहुत चिंता की बात है। मुझे और एक लिंक मिला और ये रिपोर्ट मिला इंटरनेट के, जिनको यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के
ओर से एक रिपोर्ट जिसका ऑथर है लेफ्टिनेंट जनरल पी के सिंह, जो परम विशिष्ट सेवा मेडल PBSM और अति विशिष्ट सेवा मेडल ABSM से सम्मानित है। उन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा है और इस रिपोर्ट में एक सनसनी केस खुलासा किया है कि असम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करते हैं। इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर ऑफ असम, मुल्टा MULTA, हरकत उल मुजाहिदीन और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB। इसमें लिखा है कि ये इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप असम के 6 डिस्ट्रिक्ट में उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन है, मतलब इन 6 डिस्ट्रिक्ट में ये अपने एक्टिविटीज करते हैं। वो है तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, धेमाजी, गोलाघाट, कच्चा और करीमगंज। और ये जगह को स्पेसिफिकली और एक जगह को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है जहाँ ये इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप अपना एक्टिविटी करते हैं, वो है लोहित डिवीजन का नामसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब चौकिए मत, देखिए, ये देखकर मेरा तो होश ही उड़ गया क्योंकि हमने पहले कभी इनके बारे में सुना ही नहीं, और वो भी नामसाई डिस्ट्रिक्ट में इनका एक्टिविटी होता है मेंशन किया है। तो मैं भी इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस और NIA के वेबसाइट्स और लिंक को खंगालने लगा तो मुझे ये आउटलेट मिला, साउथ एशिया पोर्टल का वेबसाइट, जहाँ स्पेसिफिकली ये न्यूज़ और रिपोर्ट को मेंशन किया गया कि 2016 में आर्मी ने नामसाई डिस्ट्रिक्ट के महादेवपुर सर्कल के कोठालगुरी एरिया से 3 JMB के टेररिस्ट को अरेस्ट किया। यस, 3 JMB जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का टेररिस्ट को अरेस्ट किया था आर्मी ने, जिनका नाम था जाहिदुल इस्लाम, यूसुफ शेख और सैफुल। ये बहुत खतरे की घंटी है अरुणाचल और नामसाई के लिए, और जिस तरह इनके पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो भी बांग्लादेशी मियाँ और रोहिंग्या मुस्लिम्स की, तो कुछ भी हो सकता है, संभव है। मतलब ये मिलिटेंट अगर छुपने के लिए अरुणाचल में आते हैं तो जंगल में छुपेगा नहीं, पकड़ा जाएगा। तो ये लोग कहाँ छुपेगा? सीधी सी बात है, किसी बांग्लादेशी मियाँ, रोहिंग्या मुस्लिम या किसी मुस्लिम रेसिडेंट के घर में ही शरण लेगा या मस्जिद में, क्योंकि यहाँ कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं मस्जिद में, कोई कौन आता है कौन जाता है कोई पूछता नहीं। अगर कोई टेररिस्ट भी जैसे JMB का टेररिस्ट महादेवपुर में पकड़ा गया, अगर कोई आके मस्जिद में भी रहता है तो ये लोग इनको अपना रिश्तेदार या जमात के काम से आए हुए बोल के बचा देते हैं। ये रिपोर्ट पर एक बात तो कंफर्म है कि JMB के टेररिस्ट नामसाई एरिया में आते रहते हैं, तो जाहिर है इनका रहने का ठिकाना किसी मुस्लिम के घर पर ही होगा, और स्पेसिफिकली इलीगल बांग्लादेशी मियाँ और रोहिंग्या मुस्लिम के घर पर। इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस सेंसिटिव इशू पर संज्ञान लेना चाहिए और इंक्वायरी करना चाहिए, स्पेशली जहां मस्जिद है वहीं पर। जितना इलीगल एक्टिविटी होता है उसमें मस्जिद का भी लिंक होता ही है। क्या नामसाई मस्जिद और अरुणाचल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मस्जिद में कौन आता है कौन जाता है इनका रिकॉर्ड रखते हैं? क्योंकि वहाँ तो हमें रोज नए नए आदमी दिखाई देते हैं, कभी शेख, कभी कौन, कोई मुल्ला, बिल्कुल नए चेहरा। इंटेलिजेंस को इनका ऊपर नजर रखना चाहिए क्योंकि खतरा सिर्फ नामसाई या अरुणाचल का सिटीजन्स को ही नहीं, यहाँ रहने वाला सभी लोग, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल और जो लीगल मुस्लिम रेसिडेंट और लीगल मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए भी खतरा की घंटी है। अगर ये लोग इस्लाम के नाम पर इन जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं करता तो ये उनको साबित करने करके अपना एरिया के लोकल लगे लोगों के ट्रस्ट को जीतना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और दूसरे संस्थाओं को भी अगर इन जैसे शरारती तत्वों की इंफॉर्मेशन मिलता है तो जाके बता देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को, अगर नया आदमी को याद है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि जिस तरह पूरे दुनिया और भारत में माहौल चल रहा है, इनको भी यहाँ पीस बनाए रखने के लिए संभव कदम लेना चाहिए। और आखिरी बात, ये इशू भी रेस करना चाहता हूँ कि हम लोकल्स
और दूसरे नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग यहाँ जब हमारा कोई आदमी के देहांत होते हैं या डेथ होते हैं तो हम लोग इनको टाउन और इलाका से दूर ले जाकर इनको जलाते या दफन करते हैं। लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी नानसाई टाउन के बीचों बीच रिहायशी इलाका में जहाँ लोगों के घर है, बच्चों के स्कूल है, इनके सामने ही अपना कब्रिस्तान बना रखा है। हम यहाँ की नेटिव ट्राइबल्स लोग अपना डेड बॉडी अपने शहर और गांव से बहुत दूर ले जाकर इनके क्रियाकर्म करते हैं, लेकिन ये लोग ना हमारे सेंटिमेंट्स और ना ही हमारे इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक हमारे ऑपोजिट ही काम करते हैं और टाउन और गांव के बीच में ही अपने कब्रिस्तान बनाते हैं, बना के रखा हुआ है। नामसाई को ही देख लो, चारों ओर लोगों के घर है, सामने में इतना बड़ा प्राइवेट स्कूल है और वहीं पर कब्रिस्तान है जस्ट 10 मीटर के दायरे में। दूसरे लोगों के सेंटिमेंट्स और इमोशंस को रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता। अगर करता तो डेड बॉडी की दफन ऐसे अन्य कम्युनिटी के लोग टाउन से दूर ले जाकर करते हैं, वैसे ही वो लोग भी करना चाहिए था। लेकिन एनाफ इज एनाफ, इन लोगों ने अरुणाचल को गारंटेड ले लिया है। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन और सजेशन है कि मुस्लिम कम्युनिटी अपना कब्रिस्तान नामसा टाउन एरिया से दूर में बनाए। जब हम यहाँ की लोकल एरिया की बाहर जलाते हैं या दफन करते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जल्द से जल्द आप लोग इस इशू को अपने बीच में डिस्कस करिए और लोकल्स और दूसरे कम्युनिटी के लोग के सेंटिमेंट्स और इमोशंस को ध्यान रखकर अपना कब्रिस्तान टाउन एरिया से दूर बनाइए। और ये सिर्फ नामसाई का केस नहीं, अरुणाचल का हर डिस्ट्रिक्ट हर एरिया में ऐसा ही सीन है और ऐसा ही सीन होगा। न्यूजीलैंड नामसाई ने ये इशू रेस किया है ताकि अरुणाचल के लोगों को ये सेंसिटिव मुद्दे के बारे में एहसास हो और हर एक सिटीजन तक पहुंचना चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट के COB, NGO, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सभी को संज्ञान लेना चाहिए अरुणाचल और स्पेशली नामसाई, तेजू, हाईलोंग, मियाओ, ईटानगर जैसे एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन के एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण क्या है, क्यों इन जगहों में इतना मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रहा है और जितना ग्रोथ हो रहा है ऑफिशियल डाटा से मैच नहीं करता है। मैंने आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ टॉपिक को पेश किया है और ये सच को अब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आप बंद करके किसी को और को इस मतलब आप बंद करके किसी और के भरोसा नहीं रहना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। अरुणाचल के लीगल मुस्लिम रेसिडेंट और बिजनेस कम्युनिटी और जो सालों से अरुणाचल और नामसाई में रहते हैं, जो हमारे इंडियन भाई बहन हैं, मुस्लिम भाई बहन, इनको भी ये इशू को संज्ञान में लेना चाहिए और लोकल लोगों के साथ, लोकल लोगों के ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर इस सेंसिटिव इशू के सॉल्यूशन निकालना चाहिए और इस डेमोग्राफिक चेंज को रोकना होगा। नहीं तो अरुणाचल को मिनी बांग्लादेश बनने में कोई नहीं रोक सकेगा। आप लोग भी इस मामला में सपोर्ट कीजिए, स्पेशली मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बोल रहा हूँ जो यही रहते हैं, जो 20-30 साल से यही बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे भाई बहन हैं। मैं इनको एड्रेस करके ये नहीं बोल रहा था जितना मैंने आपसे सुनाया, मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा था जो इलीगल है, जैसे बांग्लादेश, रोहिंग्या, मुस्लिम मियाँ हो सकते हैं। इसीलिए आप लोग भी इस मामले में सपोर्ट कीजिए, इस पोस्ट को अरुणाचल के कोने कोने पहुँचाइए। मेरे भाई बहनों, मेरे जो बाकी जितने व्यूवर्स हैं, हमारे अरुणाचल के लोग, नामसाई के लोग और जो भी अरुणाचल के सिटीजन्स है, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, सब लोग का इस पोस्ट को अरुणाचल के कोने कोने में पहुँचाए और लोगों को अवेयर कीजिए, शेयर करके और कमेंट में अपना विचार और सजेशन जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।